मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि भारतीय ज्ञान परंपरा किसी विचारधारा का एजेंडा नहीं है। ज्ञान और परंपराओं के आधार पर जो स्थापित किया गया है उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी विषयों में समावेश करने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था। हम सेमिनार के माध्यम से उन कन्फ्यूजन को दूर करने का काम कर रहे हैं। हमारे धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो गलत बातें किताबों में लिखी हैं, उसे दूर करने का हम काम कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं संघ और बीजेपी नेताओं को आर्थिक लाभ देने के लिए यह काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ के लोगों को किताबें नहीं छापनी है, किताबों को छापने का काम सरकारी एजेंसियां करेंगी। देखिए, अभी बहुत सारी पुस्तकें पहले से विश्वविद्यालय में उपलब्ध है और पुस्तकों की हम सूची बना रहे हैं। हमारी कमेटी है बाकायदा, उसकी उस कमेटी में तय होकर के जैसी जैसी फाइनल होती जाती है मीटिंगों में आगे उनको बढ़ा जाते हैं। हमारे पास अभी 150-200 पुस्तकें के और अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग भागों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग विश्वविद्यालय से लेखकों की सूची मांग करके हम उसको कर रहे हैं। मैंने लेकिन एक प्रश्न जो कहा कि भाई यदि कोई ये कहता है कि सब संघ से जुड़ा हो, मैंने कहा सेना में जाने वाला एक सैनिक भी संघ का कार्यकर्ता हो सकता है, एक लेखक भी कार्यकर्ता हो सकता है, एक प्रोफेसर भी कार्यकर्ता हो सकता है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को गलत तथ्यों के आधार पर लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जो उदाहरण दिया है, राम ने रावण का वध नहीं, आप मानते हैं क्या सब लोग? इस देश का आदमी ये मानता है कि राम ने ही रावण का वध किया है। वर्षों तक गलत इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। मैं प्रमाण सहित उस किताब को आपके सामने रख सकता हूं और जिस सेल का मैंने उल्लेख किया है, जिस किताब के बारे में उल्लेख किया जाता है, आपने किसी ने कोई पढ़ा है क्या? हमने जिस किताब को पढ़ा है, जो किताब है मेरे सामने, भारत में विज्ञान की उज्ज्वल परंपरा, इस उज्ज्वल परंपरा की किताब में सैकड़ों उदाहरण है। यदि इस किताब से कोई उदाहरण मिलता है तो किसको क्या तकलीफ होना चाहिए? ये हमारे माननीय सुरेश जी सोधी ने लिखी है। इसी में उस सेल का उल्लेख है कि अगस्त संहिता में ईसा के 900 साल पहले, आप अगस्त संहिता उठा के देख लीजिए, अगस्त संहिता तो हमने कोई लिखी नहीं है। इसलिए केवल इस अच्छे काम को जो देश में पहली बार हो रहा है और हम भारत के अपने ज्ञान को फिर से स्थापित करते हुए विश्व मंच पर, क्योंकि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया के लोगों ने हमारी शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को मांगा है और अब जिस पर हमारा काम चल रहा है उस ज्ञान को भी दुनिया के लोग हमसे लेने वाले हैं। क्योंकि दुनिया में अशांति है, भारत शांति का मार्ग दिखा सकता है और योग को जिस प्रकार से दुनिया ने स्वीकार किया है, अब योग भी कह देंगे कि ये भी किसी विचारधारा का है। अरे योग, हम सब पैदा नहीं हो उसके पहले, लाखों साल से भारत की विधा है, भारत की परंपरा में है, भारत के दर्शन में जीवन पद्धति का हिस्सा है, आयुर्वेद भारत की जीवन पद्धति का हिस्सा रहा है। यदि उस पर कोई काम करता है, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति काम करता है, राजनीतिक विचारधारा से भिन्न अपने देश की परंपरा में होती है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।